कुमार कारपेंटर, लेक्चरर कॉमर्स, आपके सामने अकाउंटेंसी का एक वीडियो लेकर प्रस्तुत है। इस वीडियो को टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, आपने क्लास 11th में जब फाइनल अकाउंट बनाया तो फाइनल अकाउंट में आपने क्या क्या चीजें बनाई होगी? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा आपने, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, और आखिरी में आपने ये बैलेंस शीट बनाई, ये तीन चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस। लेकिन आपने ये दो चीजें नहीं बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब कोई पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट को प्रिपेयर करती है, बनाती है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, और उसके बाद की जो स्टेप है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है, और इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाती है, इसके बाद क्या बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, लाभ हानि खाता होता है, लाभ हानि खाते में व्यापार के जो बिजनेस है उसके जनरल ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उनको लिखा जाता है। लेकिन जो कह सकते हैं कि जो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है, अर्थात जिनके आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, तो जिनके आगे जिनके आगे अगर पार्टनर्स शब्द लग जाता है, वर्ड लग जाता है, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहलाते हैं, मतलब साझेदारों से संबंधित ट्रांजेक्शन कहलाते हैं, और उनको कहां लिखा जाता है, तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है उनको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। बिजनेस के जनरल ऑपरेशन से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, और जो साझेदारों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो पहली जो आइटम होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ और नेट लॉस शुद्ध हानि जो ट्रांसफर होती है उसको लिखा जाता है। अगर प्रॉफिट होती है तो इधर लिखा जाता है, शुद्ध लाभ को इधर लिखा जाता है, अगर हानि होती है तो उसको यहां पे लिखा जाता है। ये दोनों में से एक ही चीज होती है। ठीक है, दोनों में से या तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट हो तो इधर लिखो, हानि हो तो इधर लिखो, नेट प्रॉफिट इधर लिखो, नेट लॉस इधर लिखो। तो जो लाभ हानि खाते का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको या तो इधर लिखा जाता है या इधर लिखा जाता है, अगर लॉस हो तो इधर लिखा जाता है, प्रॉफिट हो तो उसको इधर की साइड लिखा जाता है। इसके बाद जो सेकंड जो आइटम होती है वो इधर की साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है। क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अगर कुछ कैश अमाउंट विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो फर्म उनसे क्या लेती है, उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेती है, उस इंटरेस्ट को यहां लिखा जाता है। ये फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। ठीक है, इसके बाद साझेदारों से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस वगैरह है उनको इधर लिखा जाता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। ठीक है, ये ए और बी है ना, ये काल्पनिक है, ए और बी हो सकते हैं,
ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, बीस हो सकते हैं, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो अपने दो मान लिए हैं, दो मान के इनको लिखा किया है। इसके बाद सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को अगर सैलरी दी जाती है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। कमीशन टू पार्टनर, अगर साझेदार को कमीशन किया जाता है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई जनरल मैनेजर है, अगर मैनेजर को कमीशन दिया जाता है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको लिखना भूल गए हो, ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इधर का टोटल, इधर के टोटल में से जब इधर का टोटल माइनस करते थे, इधर का टोटल मोर होता है, ठीक है, इधर का टोटल ज्यादा होता है और इधर का लेस देन होता है, कम होता है, उससे कम होता है, तो जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है, विभाजन योग्य लाभ कहा जाता है इसी को। इसी को साझेदार जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में, उनके डिसाइडिंग रेशो में क्या किया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको बांटा जाता है, इसी लाभ को, इसी को बांटा जाता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट किसे कहते हैं, तो जो लाभ साझेदारों के बीच, जो पार्टनर्स के बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच डिसाइडिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, विभाजन योग्य लाभ कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं उसे। ठीक है, तो जब इधर का टोटल मोर हो जाता है और इससे इधर का लेस देन हो जाता है, तो जो बैलेंस है वो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। इसको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट होता है और इधर लॉस दे रखा है, तो दोनों में से एक ही होता है, अगर ये प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर इधर का टोटल मोर हो जाता है और इससे ये लेस देन हो जाता है, तो फिर आपका क्या हो जाता है, लॉस आ जाता है। तो लॉस को कहां ट्रांसफर करते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहां फॉर्मेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसकी जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी अपन विशेषता देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, इसकी क्या देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके फीचर्स देखेंगे, इट इज नॉमिनल अकाउंट, ये क्या है, नॉमिनल नाम मात्र का खाता होता है। ठीक है, जिसपे नाम मात्र, जो नॉमिनल अकाउंट है उसके रूल्स क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। ठीक है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यह एक नाम मात्र का खाता है। ठीक है, जैसे ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, वैसा नियम जो रूल है वो इसके ऊपर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, लागू हो जाता है। कौन सा रूल्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, जो आपने 11th में पढ़ा है वो रूल्स इसके ऊपर क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ये ना नॉमिनल अकाउंट है। इट इज ए प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको किसके बाद बनाया जाता है, तो इसको जो लाभ हानि खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके बाद बनाया जाता है इसको। इसकी विशेषता है, इसको उसके बाद ही बनाया जाता है। ठीक है, इट इज ए प्रिपेयर्ड ओनली द पार्टनरशिप फर्म, इसको केवल पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है। इसको कौन बनाती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, वही इसको क्या करती है, बनाती है। ठीक है, इसके बाद चौथा है, द एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर द गाइडेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें जो एंट्रियां की जाती है, वो जो हम एंट्रियां करते हैं उनको कौन गाइड करता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उनको क्या करता है, गाइड करता है। तो इसके ये फ्यूचर्स हो गए, ये इधर फॉर्मेट हो गया।